और जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर में आए दिन वो आतंकवादी साजिश रच रहा है और उसी का नतीजा है कि टेररिस्तान पिछले कई सालों से FATF के रडार पर है, आज तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया, जब से 18 जून 2018 में वहां गया था और उसके बाद से ब्लैकलिस्ट उन्हें खतरा मंडरा रहा है। अब बड़ी बात यह कि पाकिस्तान का दोस्त टर्की जो है वो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की मदद करना, उसकी सरकार बनवानी हो, कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देना, हाफिज मसूद लखवी और सलाहुद्दीन जैसे टेरर चीफ की हिफाजत करना, या फिर अपने मुल्क में सैकड़ों आतंकी सेंटर चलाना, इन सारे गुनाहों को पाकिस्तान पूरी शिद्दत के साथ निभाता है। मगर पाकिस्तान की यही कारगुजारी अब उसके लिए फिर सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। एक बार फिर FATF ने, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंक का टैग चस्पा कर दिया गया है। दहशत का सबसे बड़ा पैरोकार माने जाने वाला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए समर्थन मांग रहे थे। मगर सच तो ये है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो करना चाहिए था वो सब तो इमरान खान की सरकार ने नहीं किया, लेकिन जो नहीं करना था उसे पाकिस्तान ने खुलेआम किया, पूरी दुनिया के सामने किया। बस पाकिस्तान की यही गलती अब उसकी बर्बादी का सबब बन रही है, क्योंकि FATF ने साल 2021 की आखिरी मीटिंग में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अप्रैल 2022 तक ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा तो बीते कई सालों से है, साल 2018 से पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में, मगर इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सिर्फ पाकिस्तान पर ही हंटर नहीं चलाया, बल्कि पाकिस्तान के आका को भी अपने रडार पर ले लिया, और वो है तुर्की, जो अब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का समर्थन कर रहा था। लेकिन FATF ने तुर्की को ऐसा झटका दिया जिसके बाद एर्दोगान के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि इस बार कैसे FATF ने पाकिस्तान की टेरर कुंडली के एक एक पन्ने को खोला है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से तभी निकल सकता था जब वो FATF की तरफ से दिए गए 27 बिंदुओं पर पूरी तरह अमल करे, जिनमें से सबसे अहम बिंदु आतंकी संगठनों पर सख्त एक्शन लेना था। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद दर्जनों आतंकी कैंपों को बंद करना था। इतना ही नहीं, FATF ने आतंकी चीफ पर भी कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया था।